नमस्कार सिटी वॉच के साथ मैं हूं काव्या नाटिया बुलेटिन शुरुआत करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंचे और सीएम ने पैरामेडिकल कॉलेज में बाली नेम मिल्क प्रोड्यूस कंपनी और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों और महिलाओं को रोजगार परक साधन से जोड़ते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने सपा सरकार पर कई आरोप भी मढ़े। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि पहले योजनाएं समाजवाद के नाम पर तो बनती थी लेकिन परिवारवाद उस पर हावी हो गया था। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 150 कार्डिक वैन चलाकर एक साल में ही 78,000 जाने बचाई हैं। पिछले 70 साल में यूपी में सिर्फ 6 राज्य के मेडिकल कॉलेज थे, पिछले 2 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई किसान पशुपालन करता है तो हम उसे 4 गाय उपलब्ध करा देंगे। गोबर से धूपबत्ती बनाई जा सकती है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड में बड़े उद्योग स्थापित होंगे जिससे रोजगार वहां बढ़ेगा। तो आज झांसी को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात मिली और इसके साथ ही सपा पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर 9 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास दास वेदांती ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां रामविलास वेदांती ने दावा करते हुए कहा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि बनने वाले मंदिर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1,111 फुट ऊंचा मंदिर का शिखर होगा। मंदिर के शिखर पर लगी लाइट इस्लामाबाद और कराची से दिखाई देगी। रामविलास दास वेदांती ने कहा कि मैंने पूर्व में कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण क्रमवार होगा। वहीं ट्रस्ट विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को लेकर साधु संतों में किसी तरह का विवाद नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य ने मांग करते हुए कहा कि ट्रस्ट में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और नाथ संप्रदाय के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या मामले में आए फैसले के विरोध में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुना दिया है, हमें उम्मीद है कि अब पुनर्विचार याचिका का कोई औचित्य नहीं है। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सांसद अजय मिश्र टेनी और श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी ने लोकार्पण किया। इस दौरान खीरी सांसद ने बताया कि भाजपा सरकार ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सके, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सीएससी बनकर तैयार हो गई है, जल्द ही यही सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें क्षेत्रीय लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और लैब लेबर रूम इमरजेंसी मेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही 30 बेड का अस्पताल में 24 घंटे मरीजों की सेवाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकार्पण के समय मौजूद रहे। कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकें, उसके लिए निरंतर काम कर रही है। क्षेत्र की विधायक जी ने प्रयास किया था और इसलिए यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ किया गया, बिल्डिंग बन गई, तो आज लोकार्पण करने के लिए हम आए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को चिकित्सीय सुविधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, इसकी संभावनाएँ हैं। लेबर रूम इमरजेंसी मेडिसिन जो कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए यहाँ तत्काल सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ 30 बेड का ये हॉस्पिटल है, उससे निश्चित रूप से क्षेत्र का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार द्वारा आज उनके गाँव में ही कर दिया गया, जहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच शव को गंगा के बाहर गांव के बाहर एक खेत में दफना दिया गया। वहीं इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कमल रानी वरुण भी मौजूद रहीं। पीड़ित परिवार को हर कदम पर सरकार के साथ होने का आश्वासन भी दिया गया है। आपको बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से मिले आश्वासन के बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार की ओर से नौकरी, परिवार की सुरक्षा और हथियार का लाइसेंस देने की मांग को मान लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 घर भी पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। वहीं आर्थिक मदद के तौर पर शनिवार रात ही पीड़िता के परिवार को 25 लाख का चेक दिया जा चुका है।
राजधानी लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है। 1.5 साल पहले जो आंगनबाड़ी भवन बनने शुरू हुए थे वो अभी तक अधूरे पड़े हैं, जिस वजह से ये केंद्र किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछला वित्तीय साल राजस्व विभाग से इन केंद्रों की जमीन चिन्हित करने में गुजर गया और अब ठेकेदार और सुपरविजन अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ रही है। प्रशासन के लिए चुनौती बन चुके इन केंद्रों का तय समय में निर्माण पूरा करना बेअसर साबित हो रहा है, जबकि कई बार इन केंद्रों का आला अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान तय समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए थे कि इन कामों को एक समय से सीमित जो समय है उसमें समाप्त किया जाए। बावजूद इसके स्थिति में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ निर्माण कार्य को अधूरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये समय काम चल रहा है, सबके कंप्लीट हो गए हैं, केवल रंग रोगाई रोगन का काम जो है उस समय चल रहा है, और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा सब बच्चों की व्यवस्था वहीं पर कर दी जाएगी अच्छे से, और निर्माण कार्य कहीं रुका नहीं है, चल रहा है बाकायदा अधूरा। इनका भवन जैसे जैसे शासन की मंशा है कि सब जगह पर बनाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, इसका मनरेगा से भी कन्वर्जेशन किया गया है, और जैसे बजट उपलब्ध होता जा रहा है वैसे वैसे बनाया जा रहा है, और लगभग जल्दी ही सारे लोगों को भवन देने का काम किया जाएगा। सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मथुरा में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को ताक पर रखकर मनमाने काम कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 12,000 आबादी वाले ग्राम पंचायत में लगभग 1,000 घर हैं, जहाँ लगभग 300 कच्चे मकान हैं, और ग्राम पंचायत में वोटरों की संख्या लगभग 3,000 है, और यहाँ भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पीएम आवास को दुकानों में तब्दील करवा दिया गया है। जनवरी माह में बनाए गए शौचालय आज भी अधूरे खस्ता हाल में पड़े हैं। ग्राम पंचायत में दर्जनों इंडिया मार्को हैंडकैप खराब, हैंडपम्प जो है वो खराब पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं। गांव में नाली नहीं बनी है, नदियों का पानी सड़क पर तब्दील हो चुका है, जिससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोनभद्र के जुगेल थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है, जहां खुलेआम अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन का खेल चल रहा है। वहीं अधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो जांच की बात करके मामले को शांत करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे अवैध खनन में उनकी संलिप्तता साफ जाहिर हो रही है। आपको बता दें कि इस आशनादेश के अनुपालन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक बालू खनन माफिया हमेशा सत्ता पक्ष की धौंस दिखाकर दिन रात बेखौफ होकर खनन और परिवहन कराने में लगे हुए हैं। वहीं मशीनों से लोडिंग की वजह से आदिवासियों की रोजी रोटी संकट में आ गई है। महोबा जिले में स्वच्छता पखवाड़ा के 7वें दिन नवोदय विद्यालय के एनसीसी कैडेट के छात्रों ने रोडवेज परिसर में पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया। नेशन वाइल्ड प्लानिंग रन के तहत छात्रों ने दौड़ दौड़ कर पॉलिथीन को उठाकर उन्हें डस्टबिन में डाला। वहीं इस दौरान एनसीसी ऑफिसर छत्रपाल सिंह, लेफ्टिनेंट सतीश कुमार चौहान और रोडवेज के एआरएम एके जैन ने सभी को स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि अपने आसपास गंदगी रखने से विभिन्न बीमारियां जन्म लेती हैं, तो हम सभी को स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। आज नेशनल वाइड प्लॉगिंग डे है, इसमें दौड़ते हुए जॉगिंग करते हुए कैडेट्स कूड़े का संदेश देंगे कि देश में कूड़ा करकट ना हो और पॉलीथीन तो ना ही हो बिल्कुल, जिससे देश में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, और आने वाले समय में भारतीय शहरों को स्वच्छ बनाना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है उस संदेश को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए प्लास्टिक बैन, एक प्लास्टिक मुक्त भारत की तैयारी की जा रही है। इसमें 55 यूपी बटालियन से कर्नल संजीव डोंगरा जी का संदेश हमारे लिए आया था, उनके आदेशानुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और उसमें पॉलीथीन और विभिन्न प्रकार के जो वन यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं करना है, उसका संदेश दिया जाएगा, और पूरे शहर में खुद सफाई अभियान चला के एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जिससे लोग खुद
अपना कार्य करें और साफ सफाई में योगदान दें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये सारे फल फूल, वाह कमाल। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर बैकअप। आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के शिवनगर कॉलोनी से चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने धान और मूंगफली के व्यापारी के मकान को अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी चोर छत के रास्ते से घर में घुसे और जिन कमरों में परिवार के लोग सो रहे थे उन कमरों के बाहर से कुंडी लगाकर दूसरे कमरे में रखी अलमारी के लॉक को तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उन्नाव के सफीरपुर नगर के मोहल्ला असराय सूबेदार पूर्वी में स्थित यूनिफॉर्म कारखाने में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक 3 सालों से ड्रेस कारखाना संचालित था। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे 112 डायल पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र के टुंडली गांव में जमीन के लेकर दो पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई। देखते देखते मारपीट के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। वह इस फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में तीनों को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। देखिए, अभी FIR नहीं आई है, लेकिन जो मौका मुआयना किया गया उसके आधार पर ये तस्दीक हुआ है कि पुरानी इनमें रंजिश चल रही है परिवारजनों में, और उस रंजिश के दौरान आज ये 5-6 प्रारंभ में 5-6, उसके बाद में जैसे 11 करीब लोग बताए गए कि परिवार के, जिन्होंने घेर करके दूसरे परिवार के लोगों पर अटैक किया है, जिसमें फायरिंग की गई है। 3 लोगों को फायर आर्म इंजरीज हैं, जो इंजर्ड हैं, और अभी उनको ट्रीटमेंट के लिए आगरा भेजा गया है।
इसके अलावा दो लोगों के सिर में चोट लगी है और एक को फेस पे चोट लगी थोड़ी। तो अभी तस्दीक करने के बाद में FIR हमारे अवेटेड है। हम लोग जो हैं इसको पूरा इंस्पेक्ट करने के बाद में अभी जो FIR आती है उसके आधार पर गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित करेंगे। अब मौके पर SHO टुंडला, SHO पचोखरा तथा SHO नगला सिंघी तीन थानाध्यक्ष ड्यूटी लगाई गई है ताकि भविष्य में यहाँ पे कोई और वारदात न होने पाए और मुलजिमान की तत्काल गिरफ्तारी की जा सके। देखिए ये बहुत अर्ली है कहना, अभी मैंने बताया जैसे आपको कि अभी FIR नहीं आई है। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ये अभी कॉज ऑफ डिस्प्यूट अभी पता नहीं है, लेकिन अभी इतना जरूर मैं बताऊंगा आपको कि इनमें पुरानी रंजिश चल रही है और रीज़न ये अभी लिख के देंगे जिसको हम लोग असेस करेंगे और गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित करेंगे। यूपी के शाहजहांपुर में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तिलहर थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर में भट्टा स्वामी की लगाई गई मिट्टी के टीले के ऊपर से गुजरने वाली 11,000 की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बच्ची की लाइन के दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि खेल के दौरान बच्ची मिट्टी के टीले के ऊपर जा पहुंची, जहाँ लाइन की चपेट में आने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। कासगंज के अमापुर कोतवाली क्षेत्र में 10 राष्ट्रीय पक्षियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 10 राष्ट्रीय पक्षी उड़ते हुए जमीन पर गिर के पड़े और कुछ ही देर बाद मुंह से सफेद पानी नुमा झाग डाले हुए तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने पक्षियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि पास में ही एक निजी दूध की डेयरी का केमिकल युक्त पानी गड्ढे में भरा हुआ है, जिससे पीकर पक्षियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित शुगर मिल एरा में निरंतर हो रही घटनाओं से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि किसानों ने मिल कर्मियों को तक नहीं बख्शा और किसानों ने मिल कर्मियों पर गन्ना फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद मिल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों को समझा कर स्थिति पर काबू पाया। एक बार फिर बाराबंकी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। SP आकाश तोमर के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना टिकैत नगर पुलिस ने 310 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके पर लगभग 20 क्विंटल लहन भी पुलिस ने नष्ट किया है, लेकिन इन कच्ची शराब बनाने वाले तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल जिले में कच्ची शराब से हुई मौतों के बाद भी आबकारी विभाग इन ठिकानों पर कार्रवाई करने के बजाय कच्ची शराब बनाने वाले तस्करों को संरक्षण देकर अवैध शराब के कारोबारियों को बढ़ावा दे रही है। मैनपुरी क्षेत्र के थाना किसनी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दरअसल किसनी थाना क्षेत्र में खाद की दुकान से डीजल और केरोसिन की कालाबाजारी खुलेआम की जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर खाद की दुकान से मौके से 450 लीटर डीजल और 50 लीटर केरोसिन बरामद किया। वहीं मौके से आरोपी भागने में सफल रहा है। साथ ही सूचना पर SDM और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये लहगांव का मामला है किशनी का, और उसमें दो ड्रम है मिट्टी तेल और उसमें कुछ लूज है मिट्टी तेल। तो एक वीरेन गुप्ता है उनके वहाँ से मकान से पकड़ा गया है और उसमें FIR की कार्रवाई की जा रही है, उसमें मुकदमा लिखा गया है। 200 लीटर का एक ड्रम में 200 लीटर हुआ है, 400 लीटर उसमें है और उसमें FIR लिखा जा रही, कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी के अलाव थाना क्षेत्र में छेड़खानी का एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकायत के 11 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो पीड़िता ने खुद ही आरोपी को सबक सिखाने की पहल शुरू की। पीड़िता ने आरोपी को बुलवाकर अपनी महिला समूह के साथ सजा दी। आपको बता दें कि एक महिला समूह में काम करने वाली महिला के साथ 26 नवंबर को व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने साथी महिलाओं के साथ चौकी जाकर आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ की शिकायत देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन 11 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने ना तो रिपोर्ट दर्ज की और ना ही आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस से न्याय ना मिलता देख समूह की महिलाओं ने आरोपी को खुद ही पकड़ लिया।
इसके बाद जो गांव में महिलाओं ने अदालत लगाई और फिर सभी महिलाओं के सामने आरोपी ने कान पकड़ने के साथ ही पीड़िता के पैर छूकर माफी भी मांगी। बकरी लेने आया, मैंने उसको बकरी खोल के पकड़ा दी और मैं अपने भैंस के ऊपर झोल डालने लगी और उसने मेरे को एकदम गुफियाया और मेरे गाल फाल नोचे, सीना पे हाथ डाल दिया और मैं रोने लगी, वो भाग गया। हाँ जी सर, करी शिकायत, उन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं करी। 10-12-15 दिन हो गए, कोई शिकायत नहीं की। मैंने सभी महिलाओं से मिलके उनको ढूंढवाया और मैंने उन्हें माफ़ी मांगी, गलती महसूस की। बड़े बूढ़े लोग थे, उनका मैंने सम्मान किया, इसलिए मैंने उनको माफ़ी दी। मैंने महिलाओं को इकट्ठा किया बदौलत से। सर, सिटी वॉच में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार।